अपना जीवन अपने लिए हर कोई जीता है, मगर जो जीवन खुद से ज्यादा औरों के लिए जिया जाए वो जीवन एक मिसाल बन जाता है। ऐसा ही जीवन जो हर वक्त औरों की मदद के लिए उपहार हो, जो भूखों के लिए निवाला बने, विकलांग की लाठी, मजदूर का रोजगार और अंधे का सहारा, ऐसा ही एक जीवन है डॉक्टर दर्शन सिंह जी का नाम। ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है, ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जो लोगों के हृदय में अपने लिए एक खास जगह बना जाता है। जी हाँ, डॉक्टर दर्शन सिंह जी का सरल और जनप्रिय जीवन ही उन्हें लोकप्रिय और जगन्य बनाता है। डॉक्टर दर्शन सिंह जी का जन्म सन 1962 में स्वर्गीय श्री प्रीतम सिंह जी के घर हुआ। शिक्षा में डॉक्टर दर्शन सिंह जी ने LLB इतिहास गोल्ड मेडलिस्ट, LLB प्रथम श्रेणी, BL प्रथम श्रेणी एवं इतिहास में PhD की एवं प्राथमिक शिक्षा सरकारी स्कूल से रही। दर्शन सिंह जी प्रारंभ से ही काफ़ी अग्रणी छात्र नेताओं में से वहाँ माने जाते थे। उन्होंने अपने छात्र जीवन में अनुशासन और छात्रों के प्रति जो उनकी निष्ठा है, छात्रों के कार्यों के प्रति हमेशा वो उनका लगाव हमेशा से रहा। वो वहाँ से छात्र संघ के चुनाव लड़े, प्रत्यक्ष प्रणाली से उस समय पर छात्र संघ का चुनाव होता था, उसमें वो जीते और छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने वहाँ पर अपना कार्यकाल बड़ी अच्छी निष्ठा के साथ में पूर्ण किया। राजनीतिक जीवन होते हुए भी उनका पढ़ाई के प्रति भी, एकेडमिक क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी रुचि वो लेते थे और उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से उस भूमिका को निभाया। मेरे जीवन काल में अगर मैं कहूँ तो एक छात्र के रूप में जो एक आदर्श जीवन हो सकता है, अगर किसी का नाम मुझे आप लेने को कहें कि तो वो दर्शन सिंह थे। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, तुम भी निकल सको तो चलो। जी हाँ, ऐसा ही कुछ सोचना था उनका। उन्हें खबर थी या हर मोड़ पर मुश्किलें, कठिनाइयां और संघर्ष ही संघर्ष है, फिर भी उनका आत्मबल उन्हें रुकने नहीं देता, बल्कि उन्हें उम्मीदों की सफलता को सहज रूप से सफल बनाने के लिए हमेशा सहायता प्रदान करता। दर्शन सिंह ने कांग्रेस के लिए अपना जीवन भी खो दिया। दर्शन सिंह ने जो काम किए थे कोई कर नहीं सकता है, कोई नहीं कर सकता है ऐसा काम, और ना कर पाएगा, ना ऐसा नेता भी हो सकता है। वफादार था, कोई लांछी जीव नहीं था। बहुत से नेता कैसे होते हैं, ले लेते हैं, लेता होता है, एक नेता होता है, ये था साहब। उनका व्यवहार गरीब के प्रति बहुत ही अच्छा था, गरीब को कभी भूखा नहीं छोड़ते थे। साथ में रात को या दिन जो उन्हें कह दिया वो कह दिया, कभी वो नहीं होता कि मैं चलो आधी रात चाहे बीमार हो दुखी कम्बल ओढ़ा ये चले गए, वो रुक नहीं पाते साहब, हर एक दुख दर्द में थे वो। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। भाई का ही संबंध था मेरा,
संबंध शायद है, जब वो पैदा हुए तब से ही संबंध था उनसे, गांव से ही दो चार गज छोड़ के मेरा घर है। आज तो रो रहे हैं उनके लिए, क्या करें। आज गरीब गरीबों के मसीहा एक दर्शन सिंह जी, क्योंकि मैं उन वो मेरे से मैं उनसे इतने पास में रहे, उनने वकीलात की, जब भी मैं उनके साथ कोर्ट में रहा तो आज मैं उनके लिए इतना रोता हूँ कि मेरे बच्चे की जो बैक साइड जो मजबूत बना के गए, मैं उनको खाली नमन करता हूँ, बहुत ज़्यादा नमन करता हूँ भैया को। वर्ष 2000 में प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण विकास, वर्ष 2001 में डायरेक्टर, श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला प्राधिकरण ग्वालियर, वर्ष 2002 में प्रभारी कांग्रेस पार्षद दल नगर निगम ग्वालियर और मंत्री प्रवक्ता शहर जिला कांग्रेस कमेटी ग्वालियर। इसी के साथ साथ वह सन 2011 से 2016 तक अध्यक्ष शहर जिला कांग्रेस कमेटी ग्वालियर रहे। पद चाहे जो भी हो, डॉक्टर दर्शन सिंह जी का मकसद सिर्फ जनसेवा रहा। ये हर हाल में हर समय अपनी जनता के लिए सहज उपलब्ध रहे। अपने क्षेत्र के जन जन की पुकार सुनकर ये जननायक बने। इनकी लोगों के दिलों में बनाई ये जगह किसी पद से कम नहीं रही। डॉक्टर दर्शन सिंह जी के जन प्रेम और जन सहायता का भाव, कर्म निष्ठा और प्रगतिशील आचरण ने ग्वालियर राज परिवार, सिंधिया परिवार को प्रभावित किया। उनके निरंतर बढ़ते कदमों ने सिंधिया परिवार को विश्वास दिलाया और उन्हें दर्शन सिंह जी में विकास के प्रतिनिधि दिखाई दिए। इसी कारण वह सिंधिया जी के प्रिय और करीबी व्यक्तियों में स्थान प्राप्त कर सके। उनके अब हमारे बीच में नहीं है तो काफ़ी ऐसा महसूस होता है कि एक अमूल चीज़ हमारे हाथ से निकल गई, अकेलापन महसूस होता है हमें। मेरी काफ़ी हसमुख व्यक्ति भी थे, मजाक भी ऐसे करते थे जो कि एक भाइयों की तरह। उसके बाद उनके बारे में जितना अगर हम कहें वो बहुत ही कम होगा। हालांकि ये कहता था कि यार बुढ़ापा अपना कैसे कटेगा, काफ़ी भविष्य की बातें करता था, लेकिन कुछ न बीच में ही छोड़ के चला गया तो सब धरा का धरा रह गया। ऐसा परम मित्र भगवान सभी को दे, जो कभी उसकी यादें कभी भुलाए नहीं, भूल सकता हूं। मैं चल पड़ा हूं गौरव की एक मशाल लिए हुए, रोक सके तो रोक ले, रुकना मुझे आता नहीं। क्यों डरूं मैं किसी से जब इरादे मेरे नेक हों, क्यों झुकूं मैं कभी जब हटों में जन सेवा का संदेश हो। सोच कुछ तू समझ कैसी मेरी मंजिल का ताज है, रोक सके तो रोक ले मुझे, रुकना मुझे आता नहीं, रुकना मुझे आता नहीं।